मैम ये मेरी फैमिली सीज़न टू, आई वाज जस्ट सीइंग दैट इतनी अच्छी कहानी है, इतने अच्छे किरदार, आपका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सीज़न वन भी काफ़ी अच्छा था, सीज़न टू भी अच्छा है। मैं जानना चाहूँगा कि रिस्पॉन्स किस तरह क्या है, जितने भी दिन हो चुके हैं आपको पर्सनली किस तरह के रिस्पॉन्स मिले? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी दैट आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ ये मेरी फैमिली, बिकॉज इट्स सच अ कल्ट शो, लोगों ने इतना पसंद किया था सीज़न वन। एंड पहले एक्साइटमेंट इतनी थी लोगों को जब प्रोमो आया, एंड तब मुझे पता चला कि ऑलरेडी कितना पॉपुलर है ये, बिकॉज पीपल वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड नाउ आफ्टर 3 days ऑफ इट्स रिलीज आई एम गेटिंग टू हियर इट फ्रॉम एवरीवेयर हाउ मच दे हैव लव्ड इट। जिस तरह से इवन क्रिटिक्स ने जो स्टार्स दिए हैं, रेटिंग दी है, रिव्यूज़ दिए हैं, अब तो इंस्टाग्राम पे भी आप जब जाएं तो ऑलरेडी विद इन अ डे इतने रील्स बन चुके हैं हमारे सीरीज़ में जो स्पेशल इम्पैक्टफुल लविंग सीन्स थे उनके ऊपर। सो ऑलरेडी पीपल आर गिविंग सो मच लव टू इट दैट आई एम जस्ट फीलिंग हैप्पी एंड ऑल्सो ग्रेटफुल दैट आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑन OTT विद योर डेब्यू सीरीज। यस, OTT की मैं बात करूँ, लाइक TV सीरियल यू हैव ऑलवेज बी ऑन टॉप, रियलिटी शो ऑन टॉप, अब नाउ OTT, हाउ डू यू सी दिस प्लेटफॉर्म OTT? आई थिंक OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ ऑडियंस को चॉइस देता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कॉन्टेंट देखने की, बट एक एक्टर को भी बहुत स्कोप है टू एक्सप्लोर अलॉट। आई हैव बिन अराउंड फॉर 2 decades एंड आई हैव ट्राइड टू डू एज मैनी वेराइटी ऑफ रोल्स एज पॉसिबल, मगर फिर भी कहीं ना कहीं टेलीविजन में एक लिमिटेशन है जो आप क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब आप प्रोटैगनिस्ट हैं तो प्रोटैगनिस्ट अच्छी ही होगी, उसके कैरेक्टर में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आइडियल होती है, वो आइडियल बहू होती है, आइडियल माँ होती है। लेकिन OTT में जो कंटेंट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रोटैगनिस्ट है वो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर भी हो सकता है। यस, यू नो एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग आउट दिस मीडियम जिसमें मुझे वो साइड अपनी परफॉर्मेंस का दिखाने का मौका मिलेगा जो मैं अब तक ट्राई नहीं कर पाई। यस, एंड ये सीरीज की मैं बात करूँ, एक बोलते हैं रेट्रो किस्म की सीरीज़ है जो 90s के विंटर की सीरीज़ है, स्पेशली इतने छोटे छोटे मार्जिन में मुझे इतना लगा कि इतना रियलिस्टिक है, जहाँ पे एक एक सीन मैं बताता हूँ, जहाँ पे आप उनको रोकते हो पराठा खाने से, जो एक रेट्रो में काफ़ी कुछ होता है कि डाइट पे इतना कंट्रोल रखना। तो ये जो स्क्रिप्ट आपके पास जब आई, आपका OTT डेब्यू, तो क्या कुछ मन में था आपके? सी, ये तो मालूम था कि हमें कॉन्टेंट जो है उसके हिसाब से और मीडियम के हिसाब से परफॉर्मेंस डेफिनेटली डिफरेंट होगी, बिकॉज टेलीविजन में थोड़ा सा आपको एक नॉच हायर रखनी पड़ती है परफॉर्मेंस, लेकिन OTT में ऐसा नहीं है, वहाँ जितना सटल और जितना रियल होगा उतना रिलेटेबल और बेटर होता है। पर ये जो आपने पराठा खाने से रोकना वाली बात की, ऐसे कई सीन्स हैं जिसमें ये छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन जो हैं ये ऑन द स्पॉट हुए हैं। हाँ। ये लिख कर नहीं आया था। एक तो सबसे पहले आई एम अमेज्ड कि आपने वो पार्ट नोट की, क्योंकि वो आई थिंक जब कैमरा मूव हो रहा था तब वो पार्ट आता है, लेकिन हाँ। आपने वो भी देख लिया, विच इज़ अमेजिंग। लेकिन ये छोटे छोटे न्यूएंसेस हम खुद सेट पे कई बार इम्प्रोवाइज करते थे डायरेक्शन टीम की तरफ से, क्रिएटिव्स हमेशा सेट पे मौजूद होते थे टू हेल्प अस ट्राई मोर एंड बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, एंड ऐसे ही को एक्टर्स भी आपस में। तो ये पराठे वाला जो इम्प्रोवाइजेशन था ये राजेश का था, एंड आई थिंक राजेश अपने आप में एक इतने सक्षम और इतने अच्छे एक्टर हैं कि वो इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करते हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। तो इवन एक सीन जो प्रोमो में भी है और जिसके ऊपर जो हमारे सॉन्ग का भी हिस्सा है और जिसके ऊपर काफ़ी रील्स भी बन रहे हैं, जब वो बोलते हैं कि तबीयत खराब में भी जब जिद करती हो तो बहुत प्यारी लगती हो, yes. ये भी कम्प्लीटली राजेश का इम्प्रोवाइजेशन था जो ऑन द स्पॉट उन्होंने किया था। इनफैक्ट तो वो ऑटो रिक्शा वाला, हाँ, तो ये इतने क्यूट एडिशंस होते हैं सेट पे, जिस वजह से सीन तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लिख के आए थे, लेकिन उसमें हम अपना एक पर्सनल टच डाल सके। यस, एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अगर बात करूँ, अगर मैं सीरीज देखता हूँ, मैं लगातार सीरीज देखते रहता हूँ, उसके बीच में मैं अगर कोई मूवी देखता हूँ, जैसे कि कोई भी एक हिस्टोरिक मूवी आ जाती है जो मुझे देखनी पड़ती है, जैसे कि केरला स्टोरी की मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और होना चाहिए उस कहानी में, वो 2 घंटे में नहीं होना चाहिए। आप किस तरह से देखते हो एज एन एक्टर, हाउ डिफरेंस डू यू सी इन द मूवी एंड इन द OTT? सी, कई बार ऑब्वियसली फिल्म में वो 2 घंटे का लिमिटेशन है, OTT में भी लिमिटेड एपिसोड्स ही हैं, ये तो हमारे टेलीविजन शोज़ हैं जो कि अनलिमिटेड चलते हैं
और हम हमें पता ही नहीं होता जब स्टार्ट होता है कि ख़त्म कब होने वाला है. राइट. लेकिन जैसे फिल्म में ड्यूरेशन का एक पहले से प्री डिसाइडेड होता है, सेम OTT में ऐसे नंबर ऑफ एपिसोड्स डिसाइडेड होते हैं. जब आप शूट करना शुरू करते हो तो आपको मालूम होता है कि वेयर द स्टोरी इज गोइंग टू लीड एंड वेयर इट इज गोइंग टू एंड. सो स्टार्ट टू फिनिश आप पूरी रिहर्सल, वर्कशॉप, अपनी रीडिंग्स ये सब करके आते हो. सो इट इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम TV बट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम फिल्म. यस. एंड कितना कनेक्टेड हो जाता है ये रोल की मैं बात करूँ, स्पेशली बीइंग अ मदर, कितना कनेक्टेड हो जाता है? मेरे लिए एज अ मदर कनेक्ट करना बहुत आसान था बिकॉज वो इमोशन मेरे अंदर बहुत नेचुरली आते हैं. द ओनली थिंग आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट वॉज द पेरेंटिंग स्टाइल, क्योंकि 90s की पेरेंटिंग स्टाइल थोड़ी डिफरेंट थी. तब बच्चों को बहुत ज़्यादा वर्बली ये कह के कर नहीं जताया जाता था कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. वो एक्शंस में दिखता था, जैसे कि नीरजा और संजय ने अपने एक्शंस में दिखाया इस सीरीज में भी. वेरस कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया जब उसने जाकर अपने बच्चे को बोला हो कि बेटा आई लव यू. राइट. वेरस आज की जो जनरेशन है और आज के जो पेरेंट्स हैं जिसमें जिसको मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ दिन में अगर 10 बार मैं अपने बच्चे को ये ना बताऊँ कि देट हाउ मच आई लव हर तो मेरा दिन पूरा नहीं होता. या जिस तरीके से हम उनका पालन पोषण करते हैं 90s में वैसे नहीं होता था. सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट नाउ एंड 90s से मेरा कनेक्शन मेरा चाइल्डहुड का है. So I could not relate to the parenting style of Neerja. Right. Lekin emotion of a mother is always the same, be it 60s, 70s, 90s or how many ever centuries will go. A mother is going to feel the same way for her child. So wo emotion se main definitely relate kar sakti hoon. And social media ki baat karo, you are handling 2 social media account, your account, your daughter's account. Unke account se kis tarah ke response aaye? Kyunki unke account mein bio mein likha hai ki my mom is handling this. Wo to likhna bhi zaruri hai because she is a minor. Agar wo na likhu to aap rakh hi nahi sakte hain account. To do tarah ke response aate hain. To unke social media se is series ko leke kya response hai ab tak? Unke social media pe unhone story to maine unke social media pe hai ki dali hai, lekin otherwise I have really not put up any posts on her social media for my story because मैं समायरा का पेज जो है वो प्योरली उससे रिलेटेड रखती हूँ. राइट. तो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा डाला नहीं है, बट हाँ उसे स्कूल में लोगों ने बोला है दैट आपकी मम्मा का सीरीज आ रहा है, या वो उसके फ्रेंड्स ने बोला है वो बहुत एक्साइटेड है. जब वो हमारा जिस दिन रिलीज था तो उस दिन बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे हमारा पूरा ऐड था. तो वो देखकर उसके फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हो रहे थे दैट योर मॉम इज डूइंग दिस सीरीज. सो शी इज गेटिंग रिस्पांस एंड फीडबैक फ्रॉम पीपल ऑन पर्सनल लेवल, नॉट ऑन सोशल मीडिया, एंड ऑल्सो बिकॉज शी डज नॉट गो ऑन सोशल मीडिया. मैंने देखा था. टेलीविजन की मैं बात करूँ, यू हैव वर्क्ड मोर देन 2 decades, कितने बदलाव अब दिखते हैं? अब जहाँ तक हम देखते हैं, जब मुझे याद है मैं आज से 20 साल मैं बात करूँ, व्हेन आई वाज 6 years old, प्रोबेबली 8 to 9 years old, माय ग्रैंड मदर यूज टू टेल, कुमकुम जो सीरियल आता था, मम्मी को बोलती यू आर परफेक्ट लाइक कुमकुम, यू आर परफेक्ट. आई वॉज वेरी स्मॉल दैट टाइम. मुझे ऐसा लगता था आई नीड टू वॉच दैट सीरियल. तो वो जो टाइम पे आता था तब देखता था. बट आज हम जैसा देखते हैं इतने बदलाव आ चुके, OTT पे आ जाता है, स्टार प्लस पे आ जाता है. आप किस तरह से देखते हो ये बदलाव? ये आसान हो गया है ऑडियंस के लिए देखना, क्योंकि जो शो TV पे आता है वो उसी का एक OTT प्लेटफॉर्म है. जैसे मेरा लास्ट शो हमारी वाली गुड न्यूज़ ZTV पे था, लेकिन वो Z5 पे भी अवेलेबल था. तो अगर आपने मिस कर दिया तो आप बाद में भी देख सकते हैं, शो खत्म होने के बाद भी देख सकते हैं. आज भी कुमकुम आर्काइव में अवेलेबल है हॉटस्टार. सो अब वो जो टाइम हुआ है सीरियल का और उसके लिए सब काम छोड़ कर बैठ के इंतज़ार करना है, आई थिंक वो वाली फीलिंग चली गई है. मुझे बहुत लोगों ने आके कंप्लेन की थी उस टाइम पर कि आपकी वजह से हमें खाना नहीं मिलता, क्योंकि हमारी बीवी बोलती है 1 से 1.5 खाना नहीं देंगे आपको. सो वो वाली जो चीज़ थी ना, वो जो फन था टू वेट फॉर योर शो टू कम, टू वेट कि अब ये टाइम हुआ है, अब हम ये आधा घंटा TV के सामने से नहीं हटेंगे, वो वाली चीज़ अब उतनी नहीं है. क्योंकि अगर आज आपने मिस कर भी दिया तो आप उसी चैनल का जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पर उसका एपिसोड देख सकते हो, यू कैन कैच अप. तो वो एक टाइम को लेकर जो एक्साइटमेंट थी एक शो को देखने के लिए और एक इंतजार था, आई थिंक वो खत्म हो गया, क्योंकि अब आप बिंज वॉच कर सकते हैं. यस. एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि काफ़ी लोग मिस करते हैं वो स्पेशली किरदार को. हम काफ़ी मिस करते हैं, ऐसा लगता है कि फिर से देखे. तो आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे फिर से वो रोल करना चाहिए? सो मेनी टाइम्स, मतलब इफ गिवन अ चॉइस आई वुड लव टू प्ले कुमकुम ऑल ओवर अगेन, बिकॉज मैंने इतना जिया है वो कैरेक्टर 7 साल. Right. कि वो मेरा ही हिस्सा बन गया था एंड आज भी लोग मुझे उस नाम से जानते हैं. तो इफ
आई एम गिवन अ चांस आई वुड लव टू प्ले कुमकुम अगेन बट सुमित हैज टू बी सेमा सुमित कांट बी एनीबडी एल्स बिकॉज़ आई विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू एनीबडी एल्स एज सुमित बट हुसैन नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ ओटीटी रियलिटी शो टेलीविजन एनीथिंग लाइक Is there anything in your mind would you like to explore? Since I've just stepped into OTT, I would love to definitely explore more roles in OTT and play different kind of roles. मतलब yes. जो roles मुझसे मेरी viewers expect करते हैं वो तो हैं ही but कहीं ना कहीं surprise और shock दोनों करना चाहूँगी मैं audience को जब वो मुझे किसी एक particular type of role में देखे और कहे कि हमने सोचा ही नहीं था कि जूही ये भी कर सकती yes. है so I would love to you know explore and surprise myself too. yes ji what about reality show big boss aapne jeeta tha jis tarah wo khitab aapne jeeta uske baad kai jo winners hai wo kafi baar ghar ke andar gaye fir se aapko kabhi nahi dekha ek baar maine jo i guess last year ya last to last year winners aaye the jo tabhi aapko dekha tha maine uske pehle maine kabhi aapko dekha nahi hai do you ever felt ke i should go in ke unhone makers ne bulaya aap nahi ja paaye ऐसे एज अ गेस्ट अगर मुझे जाना है तो आई कैन डेफिनेटली गो लेकिन आजकल जैसे एक्स पार्टिसिपेंट्स वापस आ जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए वो करना मेरे लिए मुश्किल होगा बिकॉज व्हेन यू आर इन द हाउस यू आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड नाउ बीइंग अ मदर आई डोंट थिंक आई हैव द हार्ट टू डू दैट मैं उस टाइम पे कर सकी क्योंकि उस टाइम पे मैं माँ नहीं थी yes. लेकिन मैं घर के अंदर हूँ और मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है ये मैं नहीं कर पाऊंगी बट एज अ गेस्ट आई डोंट माइंड गोइंग बैक बिकॉज नॉस्टैल्जिक है बिग बॉस के नाम से ही नॉस्टैल्जिया होता है तो इट्स बिन सो लॉन्ग अब तो 10 साल हो गए तो इफ आई गो बैक एज अ गेस्ट आई थिंक इट विल बी फन बट देन मेकर्स हैव टू कॉल मी खतरों के खिलाड़ी इज गोइंग टू कम एनी ऑफ योर फ्रेंड खतरों के खिलाड़ी मैं मतलब मेरे दोस्त तो करते रहते हैं खतरों के खिलाड़ी लास्ट ईयर मोहित मलिक वॉज देयर बट मुझे खतरों के खिलाड़ी जब जब ऑफर हुआ मैंने ना बोल दिया लाइक 3-4 सीजन दे ऑफर्ड मी देन दे ऑल्सो स्टॉप्ड ऑफरिंग बिकॉज आई टोल्ड देम क्लियरली कि ये एक शो है जो मैं नहीं कर सकती क्यों ऐसा क्योंकि मुझे वो जो क्रीपी फीलिंग होती है ना ऐसे चूहे और बिच्छू आपके ऊपर से जा रहे हैं सांप वांप जा रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती व्हाट अबाउट वाटर स्टर्न्स एंड आई एम वाटरफोबिक तो वो बोलते थे कि लेकिन आपको लाइफ जैकेट होगा आप कहीं से कूद के पानी में गिरे तो मरोगे नहीं मैंने कहा डूब के नहीं मरूंगी हार्ट अटैक से तो मर सकती हूँ क्योंकि वाटरफोबिक हूँ तो मुझे खतरों के खिलाड़ी इज द ओनली शो दैट आई लव टू वॉच But I don't have the heart to do it. The season, new season is going to come. काफी सारे नाम हैं. आपके कोई दोस्त हैं? कौन से नाम हैं मुझे पता नहीं. शिव ठाकरे is there. अंजुम फाकी is there. And there are few more. शेजान खान is there. Okay, शेजान I know. बाकी these new people I don't know personally. शेजान खान you know him? शेजान because कसौटी ज़िंदगी की उस time पर तो जो भी हमारे shows चलते थे वो आपस में कभी साथ काम ना भी किया तभी भी आप एक दूसरे को जानते थे. Yes. Because इतने handful of कैरेक्टर्स थे जो इतने पॉपुलर थे तो उनका आपस में मिलना होता ही रहता था एंड व्हाट अबाउट टेलीविजन कमबैक आई वोंट से कमबैक कि अगर कोई सीरियल आता ऑफर होता है तो किस तरह का रोल आप स्पेसिफिक अब करना चाहोगे सी कमबैक तो इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने तो हमेशा से एक शो और दूसरे शो के बीच में गैप लिया है ऐसा yes. नहीं है कि मैं कहीं चली जाती हूँ और फिर वापस आती हूँ मैं यही हूँ जस्ट दैट मैं डेलिबरेटली टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस एक शो और दूसरे शो के बीच में टाइम लेती हूँ कैसा रोल करना चाहूँगी ऑब्वियसली समथिंग दैट आई हैव नॉट डन अर्लियर समथिंग वेयर आई एम नॉट रिपीटिंग माई सेल्फ लेकिन बीइंग द प्रोटैगनिस्ट इन टेलीविजन बुरी तो नहीं बन सकती वो मैं ऐसे ऐसे बाल बाल तो नहीं कर सकूँगी बट आई वुड लव टू प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर आई हैव डन दैट वंस इन शनी एंड आई गॉट ग्रेट फीडबैक आई पर्सनली लव्ड प्लेइंग द नेगेटिव पार्ट सो इफ देर इज समथिंग नेगेटिव I would love to do it, but my daughter will hate to see it. She says, I don't want to see you doing anything bad on screen also. So, वो मुझे नहीं करने देगी, but I'll probably have to manao her and do it. Do you ever thought ke daughter ko bhi, like, do you tell her, do you discuss about her future in acting wise? She's too young. Right now, every 6 months, uska vision aur ड्रीम चेंज होता हाँ, है वो बचपन में साइंटिस्ट से लेके फुटबॉल खेलने से लेकर सब इस इन दिनों स्केचिंग आर्टिस्ट बनने का शौक है बड़े होके yes. 6 महीने बाद पूछेंगे क्या और करना है सो चॉइस उसकी है एंड आई एम नेवर गोइंग टू टेल हर दैट यू शुड बिकम दिस इन लाइफ बिकॉज इट्स हर लाइफ एंड यू गेट वन लाइफ यू शुड गेट टू लिव इट द वे यू वॉन्ट टू लिव एंड करियर एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का कि अगर वो करते हुए आप खुश नहीं हो आपका दिल इन्वॉल्व नहीं है तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे सो वो जो भी करना चाहेगी I will support her. Yes. In between, she wanted to become a baker. And she said, will you let me become a baker? I said, of course, I will come and eat the cakes.
So whatever she wants to become in life, I will be there to support her. What's up next? Right this? Now, I'm riding high on this debut, and the way people are showering their love on Hamari Wali, see, I'm saying Hamari Wali, on Ye Meri Family. But there is something else that I'm in talks with. I cannot disclose that right now. If that happens, I should be shooting for that soon. Lastly, उन audience को क्या कहना चाहोगे जो अब तक नहीं देखे ये मेरी family और आपका debut है, आपको प्यार करते, थोड़ा सा उनके लिए एक दो लाइनें. मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जिसने भी नहीं देखा है अभी तक ये मेरी फैमिली का न्यू सीज़न, वो ज़रूर देखें. इट इज़ सच अ फील गुड सीरीज़ एंड हर इंसान को वो देखकर लगेगा ये तो मेरी फैमिली है, जिसे हर कैरेक्टर में कोई ना कोई किरदार अपनी फैमिली का या खुद को वो देख पाएगा. एंड आपको इतना होलसम फीलिंग होगी कि आई डोंट थिंक यू शुड मिस इट. आप लोगों ने सीज़न वन को इतना प्यार दिया था, वी आर रियली होपिंग दैट यू विल लव सीज़न टू ऑल्सो एज मच. अब तक तो ढेर सारा प्यार मिल रहा है, लेकिन और प्यार किसको नहीं चाहिए, तो प्लीज़ वॉच इट.